देखिए बैक्टर का रिजल्टेंट निकालना, बैक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना, इसको निकालने का दो इंपॉर्टेंट मेथड अभी तक आप कंप्लीट कर लिए हैं। एक है कंपोनेंट रिजॉल्व करके, किसी वेक्टर को आई कैप जे कैप के कैप में तोड़ के, फिर उनको आपस में आई कैप को ऐड करके जे कैप को और के कैप को। और दूसरा मेथड जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है पूरे चैप्टर का, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो भी आप देख चुके। अब आपको दो और मेथड हम सिखाने जा रहे हैं, बहुत छोटा छोटा है, कहीं कहीं काम आते रहता है। एक है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और उसी का दूसरा फॉर्म है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सबसे पहले आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे ध्यान दीजिए, समझिएगा बस कंसेप्ट है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देखो हमारे पास ये दो वेक्टर है जो सेम ऑर्डर में है, ये दो वेक्टर है जो सेम ऑर्डर में है। आपको याद है पैरेललोग्राम लॉ में अगर सेम ऑर्डर में रहता है तो उसको खिसका के हम लोग टेल टू टेल कर देते हैं। लेकिन अगर सर हेड और टेल मिला हुआ है तो क्या हम लोग डायरेक्ट आंसर नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते, आज हम वही सिखा रहे हैं। ठीक है, जरूरी थोड़ी ना कि इसको हमेशा यहां से ले जाकर यहां टेल कर देंगे तभी आंसर लाएंगे। बिल्कुल वो यूज होगा कब, जब पैरेललोग्राम लॉ से आप बना रहे होंगे तब। दूसरा मेथड आप सीख रहे हैं कि अगर किसी एक वेक्टर का हेड अगले वेक्टर के टेल के साथ जुड़ा हो, ठीक है, एक वेक्टर का हेड अगले वेक्टर के टेल के साथ जुड़ा हो तो इसका जो अगला थर्ड साइड होता है वो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट बताता है। देखो कितना इजी, अगला जो थर्ड साइड होता है वो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट बताता है। ट्रायंगल लॉ के हिसाब से अगर आप स्टेटमेंट सुनिएगा, फिजिक्स का अपना लैंग्वेज सुनिएगा, तो उसका कहना है कि इफ टू वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर बोलने का मतलब जहां एक का हेड खत्म हो दूसरे का टेल स्टार्ट हो, इफ टू वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर देन क्लोजिंग साइड ऑफ दैट ट्रायंगल इन अपोजिट ऑर्डर, अपोजिट ऑर्डर मतलब टेल से टेल, हेड से हेड, सेम ऑर्डर मतलब हेड से टेल, वर्ड समझना, सेम ऑर्डर का मतलब हेड से टेल, अपोजिट ऑर्डर का मतलब टेल से टेल या हेड से हेड। इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट्स टू साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर देन थर्ड क्लोजिंग साइड ऑफ ट्रायंगल रिप्रेजेंट देयर वेक्टर रिजल्टेंट टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल, मान लीजिए आप है ना सर, सर ऐसा ट्रायंगल बना दीजिए सर, जरा देख के बताइएगा, ये मेरा वेक्टर है P, ये मेरा वेक्टर है Q, क्या दोनों सेम ऑर्डर में है ना? तो जो इसका लास्ट साइड बनाओगे ना अपोजिट ऑर्डर में, ये इन दोनों का रिजल्टेंट है, एडिशन रिजल्टेंट है, मतलब ये P प्लस Q है। ठीक है, कोई भी सर थोड़ा पैरेललोग्राम से इसको मैच करा के दिखाते, चलो हम दिखाते तुमको कंपैरिजन। देखो ये है मेरे पास A वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। ठीक, अभी आपके इस थ्योरी के हिसाब से दिस वन इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। सर अगर हम पैरेललोग्राम से बनाएंगे तो क्या होगा? देखो तुमको क्या करना पड़ेगा, ये ए वेक्टर है ना, ये जो मेरा बी वेक्टर था उसको तुमको पैरेलल शिफ्ट करके यहां लाना पड़ेगा, यही पड़े हो ना, ये होगा बी वेक्टर, और फिर बनाना पड़ेगा एक डायगोनल, मतलब एक पैरेललोग्राम। देखो तो क्या फिर से आर वही आ रहा है जैसे यहां है? अगर आप यहां से पैरेलल शिफ्ट करा के यहां ले आ दे और उसके बाद फिर आप पैरेललोग्राम लॉ बना के उसका डायगोनल बनाए तो आपको आर वही मिलेगा जो इस केस में यहां मिल रहा है। मतलब कोई मेथड बदल देने से आपके आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आप कब किस मेथड का यूज करेंगे ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा मेथड ज्यादा बेहतर तरीके से आता है और डाटा उसके हिसाब से दिया है। समझ पाए? चाहे आप फर्स्ट मेथड से रिजल्टेंट निकाले, सेकंड से निकाले, थर्ड से निकाले, कोई एक्स वाई जेड मेथड से निकाले, आंसर कभी चेंज नहीं करेगा, बस वो सही तरीके से यूज होना चाहिए।
तो अभी अगर हम ट्रायंगल लॉ से कोई आंसर निकालेंगे तो क्या पैरेललोग्राम से लॉ निकालेंगे और ट्रायंगल लॉ से निकालेंगे तो दो अलग आंसर आएगा? बिल्कुल नहीं, आंसर सेम आएगा, लेकिन डिपेंड्स कि कब किसका यूज हम लोगों को करना है। सही है, तो ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन ये रहा। नीचे लिखो स्टेटमेंट, लिखो व्हेन टू वेक्टर्स, व्हेन टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट्स टू साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल, टू साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, टू साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, taken in same order, then third closing side, then third closing side of that triangle, third closing side of that triangle will represent, third closing side of that triangle will represent their vector resultant, will represent their vector resultant but taken in opposite order, will represent their vector resultant but taken in opposite order। सही है, अपोजिट ऑर्डर में लेना है। एक क्वेश्चन देखो ध्यान से, मेरे पास ये पॉइंट P1 है जिसका कोऑर्डिनेट है 2, 3, 4 और एक पॉइंट P2 है जिसका कोऑर्डिनेट है सपोज 4, 5, 8, ये ओरिजिन है। अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2, 3, 4 तो उसका x कंपोनेंट 2 है, y कंपोनेंट 3 है और z कंपोनेंट 4 है, तो क्या उसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप? तो देखो ये है फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, अगर हम r1 वेक्टर लिखे तो कैन वी राइट दैट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप? समझ पाए? अच्छा, अगर हम इसी तरह से P2 का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो बोलो क्या लिखें, देख के बोलो, प्लस, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर हम P1 और P2 के बीच का पोजीशन वेक्टर लिखें, हम बोले देखो जी P2 का पोजीशन वेक्टर लिखो P1 के रिस्पेक्ट में, तो क्या ये ड्रॉ करोगे? दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ 1, दिस इज पोजिशन वैक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। लिखने का तरीका देखो, आर 2, 1 जब लिखा है ना तो पोजिशन वैक्टर है 2 का किसके रिस्पेक्ट में है? 1 के रिस्पेक्ट में। अच्छा, अगर हम लिखते पोजिशन वैक्टर ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 तो क्या यार ऊपर होता? नहीं समझा? सुनेगा अच्छे से तब ना। पोजिशन वैक्टर ऑफ 2 किसके रिस्पेक्ट में? 1 के रिस्पेक्ट में, तो 1 की तरफ टेल है और 2 की तरफ हेड है। अगर हम पोजीशन वेक्टर 1 का लिखते हैं 2 के रिस्पेक्ट में तो टेल किधर होता है? 2 की तरफ, और हेड किधर होता? 1 की तरफ। समझ पा रहे हो? अभी जो है उसके हिसाब से अगर हम तुमसे बोले कि भाई ये पोजीशन वेक्टर लिखो बताओ, क्या पैरेललोग्राम लॉ तुमको हेल्प करेगा? कर सकता है बट इट टेक्स टाइम। क्या कंपोनेंट में तोड़ना तुमको हेल्प करेगा? कर सकता है बट इट टेक्स टाइम, लेकिन ट्रायंगल लॉ तो देख के आंसर दे देगा। ट्रायंगल लॉ का कंसेप्ट लगाओ, क्या ये दोनों सेम ऑर्डर में आए? समझ पा रहे हो? दोनों सेम ऑर्डर में, तो इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, ठीक है ना? समझ में आ रहा? तो यूजिंग ट्रायंगल लॉ तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से फर्स्ट का पोजीशन वेक्टर और पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, इन दोनों का सम r2 के बराबर होगा। क्या आपको समझ में आई हम कैसे लिखें? बिकॉज ये दोनों सेम ऑर्डर में है तो इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। तो आपको तो ये निकालना था ना,
आर टू में से आर वन को माइनस करो, आर टू फोर आई कैप प्लस प्लस इसमें से माइनस करना है किसको, टू आई कैप प्लस चार में से दो गया यहां टू आई कैप हुआ, पांच में से ये गया प्लस टू जे कैप हुआ और प्लस फोर के कैप, ये हो गया भाई उसका वेक्टर फॉर्म। कोई बोले सर हम चाहते हैं कि उसके बीच का मैग्नीट्यूड, उसके बीच का डिस्टेंस निकाल दे, तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, रूट अंडर टू स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर। अब यहां पे कौन सा मेथड लगाना ज्यादा सुटेबल था, दैट इज ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ। तो जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा काम करना है, दिस इज ट्रायंगल लॉ। अब आइए इसी से जुड़ा हुआ हम टर्म आपके सामने एक ही साथ रख दे, नाम उसका पॉलीगन लॉ। ये भी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने में मदद करता है। आप कोई पॉलीगन लेंगे और पॉलीगन ऐसा, पॉलीगन समझते हो, पॉलीगन लोगे और पॉलीगन ऐसा जो ओपन होना चाहिए, क्लोज नहीं, ये ओपन पॉलीगन है। सर क्लोज कैसे करेंगे, ये वाला साइड डाल देना क्लोज हो जाएगा। अगर n नंबर ऑफ वेक्टर्स, मतलब बहुत सारा वेक्टर्स, अगर n नंबर ऑफ वेक्टर्स किसी पॉलीगन के n साइड्स को रिप्रेजेंट करता है टेकन इन सेम ऑर्डर, मतलब सर देखो a यहीं से b, जहां खत्म हुआ वहीं से c, जहां खत्म हुआ वहीं से d, जहां खत्म हुआ वहीं से e, अगर n नंबर ऑफ वेक्टर्स किसी ओपन पॉलीगॉन के n साइड्स को रिप्रेजेंट करता है टेकन इन सेम ऑर्डर, तो जो हमारे पॉलीगॉन का क्लोजिंग साइड होगा, ये है क्लोजिंग ना, दैट रिप्रेजेंट देयर वेक्टर रिजल्टेंट बट इन ऑपोजिट ऑर्डर। देखो फिर से ऑपोजिट ऑर्डर में, पता है ट्रायंगल लॉ और पॉलीगॉन लॉ एक ही चीज है, क्योंकि ट्रायंगल इज ऑल्सो पॉलीगॉन बट उसका साइड कितना होता है, तीन, ठीक है, बाकी आप कहीं भी लगा दीजिए, क्लियर है। अगर हमारे पास बहुत सारा वेक्टर्स है जो सेम ऑर्डर में रहे, तो जो पॉलीगॉन का लास्ट क्लोजिंग साइड तुम प्लस करते हो ना, वो हमारे इन सारे वेक्टर्स के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है बट टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, अपोजिट ऑर्डर, ये वाला अपोजिट ऑर्डर होगा, बाकी सब किसमें रहना चाहिए, सेम ऑर्डर। तो आप ऐसे लिखते हो कि दैट आर विल बी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, हो गया आंसर, ठीक है। अगर तुम इसका प्रूफ देखो, थोड़ा सा मैथमेटिक्स में और इन्वॉल्व हो, जरा देखना, बताओ तो ये वेक्टर क्या है, कस के बोलो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, वो ट्रायंगल लॉ है, देख रहा, एक दो ये, तो ये ए प्लस बी है, करेक्ट ना। अच्छा अगला देखना, बताओ तो ये वेक्टर क्या है, फिर एक ट्रायंगल है, ए प्लस बी प्लस सी है, तो ये ए प्लस बी प्लस सी आएगा, समझा। अच्छा बताओ ये क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, ए प्लस बी प्लस छोटा छोटा लिख रहे हैं, देख लेना लास्ट तक, और लास्ट में ई जोड़ेंगे यार आ जाएगा, समझा। अब देखते हैं तुम्हारा कॉमन सेंस कितना काम करता है, ये तो था पढ़ा पढ़ाया चीज, बताना इस वेक्टर्स का जो हम बना रहे हैं फिगर, उसका रिजल्टेंट कितना है। बताओ इन पांचों वेक्टर का रिजल्टेंट कितना है, जीरो, वेरी गुड। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ वेक्टर्स है और वो सेम ऑर्डर में किसी क्लोज्ड पॉलीगॉन को दिखाता है, पिछला केस में ओपन था, लास्ट में तुम क्लोजिंग साइड डाला था, ये वाला लास्ट में डाले थे ना, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ वेक्टर है और वो सेम ऑर्डर में किसी क्लोज्ड पॉलीगॉन को दिखाता है,
तो हमेशा ध्यान रखना उन सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट जीरो होता है, ठीक है। चलो यहां तक आप नोट करो, इसके बारे में हम दो चार लाइन लिखा देंगे, खत्म। लिखो थोड़ा पॉलीगन लॉ में, पॉलीगन लॉ में लिखो, इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स, इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स रिप्रेजेंट्स, इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ एनी ओपन पॉलीगॉन, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ एनी ओपन पॉलीगॉन टेकन इन सेम ऑर्डर, ऑफ एनी ओपन पॉलीगॉन टेकन इन सेम ऑर्डर, देन क्लोजिंग साइड ऑफ दैट पॉलीगॉन, देन क्लोजिंग साइड ऑफ दैट पॉलीगॉन विल रिप्रेजेंट, क्लोजिंग साइड ऑफ दैट पॉलीगॉन विल रिप्रेजेंट देयर वेक्टर रिजल्टेंट, विल रिप्रेजेंट देयर वेक्टर रिजल्टेंट बट टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, विल रिप्रेजेंट देयर वेक्टर रिजल्टेंट बट टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, सही है। थोड़ा इसके बारे में लिखा रहे, इसके बारे में अगला स्टेटमेंट लिखो, नोट करके या स्टार मार्क देके अलग से लिख लो। इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स, इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ साइड्स ऑफ एनी क्लोज्ड पॉलीगॉन, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ एनी क्लोज्ड पॉलीगॉन, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ एनी क्लोज्ड पॉलीगॉन टेकन इन सेम ऑर्डर, क्लोज्ड पॉलीगॉन टेकन इन सेम ऑर्डर, देन रिजल्टेंट ऑफ दोज वैक्टर्स, देन रिजल्टेंट ऑफ दोज वैक्टर्स आर ऑलवेज जीरो, रिजल्टेंट ऑफ दोज वैक्टर्स आर ऑलवेज जीरो, दोज वैक्टर्स आर ऑलवेज जीरो, ठीक है। सी दैट, एक फिगर बनाते हैं यहां पर, बताना इसका रिजल्टेंट कितना है। मतलब तीन वेक्टर अगर ट्रायंगल के तीन साइड्स को रिप्रेजेंट करेगा सेम ऑर्डर में तो क्या उसका रिजल्टेंट जीरो, समझ पाए। तो पॉलीगॉन लॉ जो है वो चीज आपके सामने लगा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, फॉर एनी क्वाड्रिलेटरल, फॉर एनी क्वाड्रिलेटरल कॉमा थ्री साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज रिप्रेजेंटेड बाय, थ्री साइड्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल रिप्रेजेंटेड बाय थ्री वेक्टर्स, थ्री वेक्टर्स। एक बार में लिखना, दोबारा बोलने का चांस नहीं है, ठीक है। टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप, ये पहला वेक्टर है, टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप कॉमा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड सिक्स आई कैप प्लस
फोर जे कैप प्लस के कैप, देन फाइंड लेंथ ऑफ फोर्थ साइड ऑफ दैट क्वाड्रिलेटरल ऑफ फोर्थ साइड ऑफ दैट क्वाड्रिलेटरल ठीक है, चलो बनाओ फटाफट। तो देखो वेक्टर में आप मल्टीप्लिकेशन देखिए आप मन को स्थिर कर लीजिए, पढ़ाए कि नहीं। अरे अब ठीक हो, अब ऑर्डर आ गया। देखो जनरली वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन दो तरह का होता है। जब आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो ना तो एक नया क्वांटिटी बनके तैयार होता है। उस नए क्वांटिटी के नेचर के बेसिस पे वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। मान लीजिए जैसे आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें, वेक्टर मल्टीप्लाइड विथ अनदर वेक्टर एंड यू गेट अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। जैसे आप फोर्स वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे आपको वर्क मिलेगा। फोर्स एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, लेकिन वर्क जो नया क्वांटिटी मिल रहा है वो एक स्केलर है, सही। इसी तरह से दूसरा, पहला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल, अगर आप फोर्स वेक्टर को वेलोसिटी वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो पावर मिलेगा। जब आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया क्वांटिटी तैयार हो रहा है वो एक स्केलर हो, देन दिस टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, या इसी का दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। स्केलर इसलिए क्योंकि रिजल्टेंट क्वांटिटी स्केलर है, और डॉट नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट लगता है। आप लिखेंगे फोर्स वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल्स टू वर्क। ऐसा मल्टीप्लिकेशन जिसमें दो वेक्टर के मल्टीप्लाई करने से जो नया क्वांटिटी बनके तैयार होता वो एक स्केलर हो, सच काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। अब इसी का दूसरा कहानी भी सुन लो। अगर हम लोग दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें, वेक्टर मल्टीप्लाइड विथ वेक्टर एंड यू गेट अ न्यू क्वांटिटी विच इज ऑल्सो अ वेक्टर। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किए जो नया है वो भी वेक्टर है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप पोजीशन वेक्टर को फोर्स वेक्टर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये टॉर्क वेक्टर होगा। टॉर्क का नाम तो सुना होगा, यूनिट एंड डायमेंशन, तो ये टॉर्क वेक्टर होगा। टॉर्क वेक्टर मतलब जो टर्निंग इफेक्ट, फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट जनरेट करता है उसको टॉर्क कहते हैं। जैसे दरवाजे पे आप फोर्स लगाते हैं तो जो फोर्स है वो दरवाजे को अपने एक्सिस के अबाउट में घुमाता है। जब कभी भी आप फोर्स से कोई टर्निंग काम करते, ट्विस्टिंग काम करते, टर्निंग काम करते, जैसे अगर आपको एग्जांपल देखना है तो आपके बगल में कहीं भी है ना बॉटल रखा है तो उसका ढक्कन खोलने का कोशिश कीजिए, यह फोर्स का टर्निंग इफेक्ट है। आप फोर्स लगा के उसको घुमाते हैं, उसको टॉर्क कहते हैं। तो जब आप पोजीशन वेक्टर को फोर्स वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो टॉर्क वेक्टर आता है। इसी तरह एक दूसरा एग्जांपल भी पकड़ लो, बहुत काम आने वाला है। अगर आप पोजीशन वेक्टर को लीनियर मोमेंटम से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको एंगुलर मोमेंटम मिलेगा, व्हिच इज आल्सो अ वेक्टर। एज अ मल्टीप्लीकेशन
वेक्टर्स का ऐसा मल्टीप्लीकेशन जिसमें वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने से रिजल्टेंट भी वेक्टर क्वांटिटी मिलता है, उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, इसी का दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर इसलिए क्योंकि रिजल्टेंट क्वांटिटी वेक्टर है, और क्रॉस इसलिए क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्रॉस साइन को यूज करते हैं। बेस समझ में आ गया? अब आप बारी बारी से दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है हम लोग का आज का डिस्कशन, दैट इज कॉल्ड स्कैलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। ध्यान से देखो, स्कैलर प्रोडक्ट तुम्हारे पास दो वेक्टर है, यह है ए वेक्टर, यह है बी वेक्टर, और बीच का एंगल है थीटा। ठीक, अगर हम तुमसे बोल दें कि वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ निकालो, वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ निकालो, देन इट विल बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। वेक्टर ए का बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालो, देन इट विल बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ए बी साथ में कॉस थीटा, ठीक है। इसमें यहां पे जो ए स्टैंड कर रहा है ना, लेफ्ट वाला ए नहीं, ये राइट वाला, ये मेरे पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। यहां जो बी स्टैंड कर रहा है वो मेरे दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और फिर दोनों के बीच के एंगल का कोसाइन वैल्यू। जैसे हम आपसे एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए आपको क्वेश्चन ऐसे मिल जाए कि देखो एक सरफेस है, उस सरफेस पे एक ब्लॉक रखा है, उसको कोई पर्सन 10 न्यूटन फोर्स से खींच रहा है, लेकिन वो ब्लॉक सरफेस के अलोंग में 37 डिग्री एंगल बना के 6 मीटर तक डिस्प्लेस हुआ। बोले सर ऐसा कभी हो सकता है? अभी दिखाते हैं ना, हो सकता है मतलब, ये देखो हम इस पर एक फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन जा तो सरफेस का अलोंग रहा, अभी मेरे फोर्स का डायरेक्शन इधर है, सही, लेकिन ये एंगल बना रहा और ये डिस्प्लेसमेंट तो अलोंग द एक्सिस हॉरिजॉन्टल है। ऐसे सिचुएशन में हमको कुछ काम करना पड़ा होगा ना। अगर आप इस फोर्स का वर्क निकालना चाहते हैं, फाइंड वर्क ऑफ दिस फोर्स, तो आपको एक लाइन आज से एक्चुअली ये चार लाइन तो एकदम दिमाग में बैठा लो, कहीं भी आएगा। अगर तुमको वर्क निकालना है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, अगर कहीं तुमको पावर निकालना है तो फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, अगर कहीं टॉर्क निकालना है तो पोजिशन वैक्टर और फोर्स वैक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, और इसी तरह एंगुलर मोमेंटम भी है आर क्रॉस पी। ये चार से क्वेश्चंस तुमको खूब मिलने वाला है, और चारों में अभी देखिए ऐसे क्वेश्चन आ गया। अब वर्क निकालना है, अब तुम परेशान, वर्क कैसे निकलेगा? नाउ यू हैव टू रिमेंबर दैट वर्क इज नथिंग एल्स बट सिंपली द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और यू कैन राइट दैट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो देखो फोर्स का मैग्नीट्यूड 10 है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 6 है, और कॉस सॉल्व कर दो आंसर 48 जूल इज द आंसर। ठीक है, अभी अगला देखिए। ये एक ब्लॉक है जिससे ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। तुमसे बोला गया फाइंड पावर ऑफ दिस फोर्स, फाइंड पावर ऑफ दिस फोर्स, इस फोर्स का पावर निकालो। क्या फिर से बोलेंगे इट इज अ डॉट प्रोडक्ट? पावर इज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी, बिकॉज दोनों एक ही तरफ है तो कॉस जीरो आएगा, कॉस जीरो का वैल्यू बोलो
वन, बिल्कुल सही, 40 वॉट, समझ पाए? तो ये कंसेप्ट है। अब इसमें और भी अगर हम लोग डेप्थ में जाएंगे तो इसको निकालने का बहुत सारा मेथड है, ठीक है? यहां तक नोट करो, फिर और आगे।